नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका नाम है रॉयपुरम। रॉयपुरम जो है AIADMK के एक MLA के अंडर में आता है, जिनका नाम है जयकुमार, जो कि फिशरी मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट के बहुत कद्दादर मिनिस्टर हैं। यहाँ के तमिलनाडु में बहुत अच्छा नाम है उनका। काफ़ी सारी प्रेस मीट्स जो हैं इन्हीं के द्वारा करी जाती हैं। स्पोक पर्सन भी हैं AIADMK के। और ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है धोबी घाट है चेन्नई का, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन कुछ 150 से 200 परिवार रहते हैं। हमारे साथ जो साहब हैं, इनको हिंदी आती है। यूजुअली बहुत मुश्किल होती है चेन्नई में हिंदी भाषी को ढूंढना, यहाँ पे हमें कोई मिल गए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे परेशानियाँ इनकी हैं तो क्या हैं। एक जो सीरीज़ हम चला रहे हैं द मिसिंग MLA में, उसका एक और पहलू है ये कि यहाँ के जो MLAs हैं, ये वोट लेने के टाइम पे तो ये लोग आते हैं, उसके बाद ये लोग एक तरह से गायब से हो जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम और आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं? हम तो यहाँ 63 ईयर से रहते हैं जी। हम तो आपकी उम्र भी इतनी है? मेरी उम्र ही इतनी है, मैं पैदा हुआ हूँ यहीं है। क्या बात है। तो सर, ये जो जगह है, मैंने सुना यहाँ पे बहुत सारे सिनेमा शूटिंग्स भी होते थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बावजूद अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोई अच्छी डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रही। एक हैंडपम्प मुझे यह दिख रहा है। तो सर, जिस तरह से सिनेमा वगैरह यहाँ पे लिया जाता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे लोगों की पूरी नहीं हुई हैं, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक हैंडपम्प है, इसकी कहानी क्या है? ये तो जी, एक 7 घर के लिए यहाँ पे पानी का बर्तावा था। 7 घर के लिए? 7 घर के लिए। अच्छा। आज यहाँ 70 घर है। अच्छा। इसमें क्या है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं यहाँ ठिकाना डाल के बैठ जाते हैं, हिलते नहीं हैं, और इन लोगों को पूरा मिल जाता है यहाँ पे, मतलब इनको काम भी यहीं हो जाता है, और इनके जो भी लेवा देवी रहना बैठना उठना, इनके बच्चे सब यहीं परवरिश होती है। तो आपने आखिरी बार जो जयकुमार जी हैं MLA जो हैं यहाँ के, उनको देखा कब? पहले जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं जी, वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद तो गायब, और आउटर साइड में आते हैं एरिया के, मतलब ये धोबी खाने के अंदर नहीं आते। धोबी खाने के आने समय कुछ देने लेने आते रहते हैं, उसके बाद तो क्या हाल चाल बुरा है पूछते नहीं है, बाहर से आते हैं और बाहर से चले जाते हैं, कुछ काम से आते हैं उन लोगों ने। सो आपका ये कहना है जो यहाँ के MLA हैं, जिनको आपने वोट देके पार्लियामेंट भेजा, सत्ता उनको उनके हाथ में दी, वो जो है यहाँ पे नहीं आए हैं इलेक्शन के बाद से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो दूसरी कैबिनेट ने हम यहाँ पे बिल्डिंगें बन के दी है, उसको भी आज तक ने उन लोगों ने आके बनाया नहीं है, खोला भी नहीं है। इसमें मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो सामने आप लोग एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो इसके पिछली सरकार थी DMK की, उसने ये बिल्डिंग बनाई थी, कुछ 10-12 घर हैं यहाँ पर, और इसका उद्घाटन जो है आज तक नहीं हुआ है। जो भी रंगाई हुई थी एक ज़माने में यहाँ पर, उस रंगाई पर भी जो है कालक लग चुकी है, काई लग चुकी है, बारिश से ये बिल्डिंग एक तरह से ख़राब हो गई है, और अभी तक जो है इन घरों को उन लोगों तक नहीं दिया गया है जिसके ये लोग हकदार हैं। अगर आप इस पूरे इलाके को देखें, टीन टपरों से बने हुए छोटे छोटे घर हैं, बच्चे जो है यहाँ पे हैंडपम्प आज भी चलाते हैं, और मैंने ये सुना है कि हैंडपम्प कभी सोता नहीं है, 24 घंटे ये हैंडपम्प चलता रहता है। सर, यहाँ पे और क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? यहाँ पे जो मतलब इन लोगों को रह के जाने के लिए बोला हुआ है, और इन लोगों ने पूरा इन लोगों का परिवार बना लिया है, मतलब ID बना लिया है, पूरा रेशन कार्ड बना लिया है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लिया है, सब है। इन लोगों के लिए क्या है कि एक भी वो नाली नहीं है, गली पानी जाने के लिए नाली नहीं है, और कचरा डालने के लिए जगह नहीं है, कचरा डालने के लिए जगह नहीं है, और दूसरा कुछ भी इन लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है। बाथरूम भी एक ही बना हुआ है, सब पब्लिक बाथरूम में जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पे सीवेज की जो सुविधा होनी चाहिए, सीवेज की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली जो है वो सही से नहीं है, लोग जो हैं इसी तरह से राम भरोसे रह रहे हैं, ना यहाँ के MLA आपकी सुध लेते हैं, ना ही यहाँ की सरकार आपकी सुध लेती है, और ये जो तमाम समस्याएं हैं इनके बावजूद आपको यहाँ पे रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है, कहीं और आप जा नहीं सकते हैं। ये मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 7 घर बनाए थे, और यहाँ से बस दूसरे और आ गए, धोबी लोग ठहर गए, वो लोग भी नहीं जाते, सब रेशन कार्ड और सब बना लिया है, और उनके लिए भी कोई सहूलत आई थी नहीं है यहाँ पे। एक तरह से एक वोट बैंक सा बन गया है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। सो देखिए, बदतर है
धारावी, हाँ मेरे, मैं अभी बस कहने ही वाला था, जो बम्बई में धारावी है ये कुछ कुछ वैसा ही मिलता जुलता माहौल मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे तमाम बच्चे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ पर इनको किसी भी तरह की जो मूलतर सुविधाएं होती हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए वो नहीं है। दुखद की बात ये है यहाँ के जो MLA हैं वो यहाँ के जो जो यहाँ की सरकार है यानी जो ADMK के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हम धोबीघाट से बाहर भी गए, वहाँ पर भी जब हमने हम लोगों ने दो लोगों की गाथा सुनी वो बेहद गंभीर थी, बेहद दिल को दहला देने वाली थी। वहाँ पर भी यही तमाम समस्याएं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोग नालों में रह रहे हैं, लोग गटरों में रह रहे हैं। ये जो है दशा है रायपुरम नामक एक जगह की, जो कि चेन्नई का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। जब इलेक्शंस आते हैं तब ये कुछ एक इलाके हैं, ये इलाके डिसाइड करते हैं कि किसकी सत्ता जो है यहाँ पे आने वाली है। ये बड़ी तादाद है यहाँ पे वोटर्स की, और इसको दोनों ही पार्टियाँ यानी आप DMK या फिर ADMK दोनों को ही अगर आप लें, यहाँ पे इन लोगों को एक वोट बैंक से ज़्यादा ये लोग नहीं समझते हैं। यहाँ की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जो पिछले 70-75 सालों से इनकी वैसी की वैसी ही है। हम चाहेंगे जो यहाँ के MLA हैं जयकुमार साहब, जो कि फिशरी मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ पर आएँ, इन लोगों से मिलें, इनकी जो मूलतर समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, उनसे संपर्क करें। जब तक आप अपने क्षेत्र पे नहीं आएंगे आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि आखिर इनकी समस्याएं हैं तो वो क्या हैं। बने रहें हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वो तमाम वीडियो के मैसेजेस आप तक पहुँचते रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। नमस्कार।